तड़प हो, सच्चाई हो ईश्वर के लिए। will find a place, जहाँ चाह वहाँ रहा। बोले हम ईश्वर के लिए नहीं करेंगे, गुरु के लिए करेंगे। तो गुरु क्यों मानते, ईश्वर के नाते मानते हैं, तो एक ही बात होगी। हम तो गुरु के लिए करेंगे। गुरु के लिए करो, ईश्वर के लिए करो, पहले गुरु के लिए करो, तभी भी बोलो ईश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गुरु को ईश्वर के नाते मानते हैं। में ईश्वर तो है, तभी तो ईश्वर के लिए ही करते सब। अभी हम काय के लिए आए? आपके लिए आए, तुम्हारे लिए आए, हम तुम्हारे लिए आए, ईश्वर के लिए आए। करने की शक्ति का सदुपयोग हो, क्योंकि शाम को 8 बजे तक देर तक कोई रहे न रहे, तो अभी थोड़ा सा सुन के जाए, चलो लाभ होगा। सत्संग से लाभ होता है ना। जैसे धर्म करने से पुण्य बढ़ता है, औदार्य बढ़ता है, भविष्य उज्जवल होता है। और धर्म की हानि करने से पाप बढ़ता है और भविष्य अंधकार में होता है। उससे भी कई गुना ईश्वर के लिए करने से बहुत विशेष प्रभावशाली है। वास्तव में ईश्वर ही है, जगत है नहीं, वो तो बदल रहा है। दो ही चीज है, एक नाशवान एक शाश्वत। तो शाश्वत तो आत्मा ईश्वर है, नाशवान संसार है। जो नाशवान है वो तो है ही नहीं। बेवकूफी से नाशवान ही है दिखता है, और जो उसकी सत्ता से है दिखता है, उसी को भूल गए। पानी को भूल रहे हैं, तरंगी दिख रहे हैं। सोने को भूल रहे हैं, गहने ही दिख रहे हैं। मिट्टी को भूल रहे हैं, घड़ा ही दिख रहा है। रस्सी को भूल रहे हैं, सांप ही दिख रहा है। तो बेवकूफी नहीं। इसमें जितना पवित्र जीवन तड़प होगी, उतना ये बात समझेगा, उसी को विचार उसी में खो जाए। आज तक जो कुछ मिला हो कहां तक रहेगा? जो छूट जाए वो संसार, जो कभी न छूटे वो अपना आत्मदेव ईश्वर। आंधी तूफान बमंडल अच्छा नहीं लगता, लेकिन कितना बुराई को ले जाता है। बैक्टीरिया है और गंदी हवाएं, भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही ले आता है। ऐसे जीवन में कई आते जाते हैं, शुद्धि होती है। क्या ओम 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 ओम। मेरठ वाले हो तो हाथ ऊपर करो। जो मौत के बाद भी रहेगा उसको नहीं ढूंढ रहे। एक वस्तु होती जो पाई जाती, दूसरी वस्तु जो पाई जाती वो रहेगी नहीं। जो भी पाओगे ईश्वर के सिवाय छूट जाएगा, लेकिन अपने ईश्वरत्व को खोजो। एक होता है निर्माण और दूसरा होता है खोज। निर्माण जो नहीं है उसका बनेगा, तो जागतिक वस्तुओं का निर्माण होता है। और परमात्मा की खोज होती, और परमात्मा की खोज होती तो खोजने वाला ही खोजते खोजते वहां पहुंच जाता कि खोजने वाले का मैं नकली साबित होता और परमात्मा प्रकट हो जाता। मैं दुखी, मैं सुखी, मैं बड़ा, मैं छोटा है तो शरीर को मैं मानता है। हकीकत में जैसे दिखते हो आप वैसे ये हो ही नहीं। अगर ऐसे होते तो मरने के बाद ये ले जाते साथ में। आप जो दिख रहे हैं वो आप हैं ही नहीं। जो आप हैं वो दिखते नहीं है। आप ही से सब दिखता है, आप नहीं दिखते। सबसे सभी चीजें मिलकर आपको नहीं देख सकती, आप सभी को देखते हैं। सारे जगत को भी देख रहे हैं, आंख ठीक देख रही कि नहीं उसको मन देखता है, मन ठीक देखता है कि नहीं उसको बुद्धि देखती है, बुद्धि हमारी ठीक है कि नहीं उसको मैं देखता है। मैं शांत है, अहंकार है कि सज्जन है, उसको जो देख रहा है वही आप है। इतना सारा ले लो, हो गया साक्षात्कार। यहाँ पहुंचना है, पूरा एड्रेस है ये, एकदम सरल में सरल। ये तो पता है नहीं कि ये मैं माइक नहीं हूं, ये कपड़ा मैं नहीं हूं, आपको पता है। आप कपड़े नहीं है तो चमड़ा भी आप नहीं, हड्डियां भी आप नहीं, फेफड़े भी आप नहीं। मेरे फेफड़े, एक फेफड़ा निकाल दिया है तो आप फेफड़े होते तो फेफड़े भी आप नहीं। तो ऐसे पूरा शरीर आप नहीं है, मन भी आप नहीं है, बदलता है। बुद्धि भी आप नहीं है, उसके निर्णय बदलते। बुद्धि को जानने वाला अहम, अहम भी आप नहीं। अहम हल्का भारी होता है, उसको जानने वाला कौन है? बस वहां वाणी नहीं जाती, वहां खुद खोजते खो जाएगा। खोजते खोजते खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया। इतना सरल है। बोलो, शादी करने में तो 2 घंटे लगेंगे, माला भी पहरा हो तो 10 मिनट 5 मिनट पहले पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें तो इतना भी नहीं। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि वह श्री जी महाराज, हे राम जी, फूल को मसलने में परिश्रम है, अपने आपा को जानने में क्या परिश्रम। लेकिन वो संस्कार, वो सूक्ष्म बुद्धि, वो तीव्रता की कमी के कारण अपना आपा छुपा। और ईश्वर के सिवा कुछ भी मिला इतने जन्मों का तो नहीं रहा, तो इस जन्म का क्या रहेगा? जो कभी ना छूटे उसका नाम है आत्मा चैतन्य। जैसे सारस्वती मंत्र लेने से बुद्धि में निखार आता, इसे ईश्वर प्राप्ति का एकाकार ओंकार मंत्र स्व में निखार आ जाएगा। अकेला ओंकार 12,000 जप कर, नीच कर्मों का त्याग कर दे, सत्संग का विचार करे और 12,000 जप करे, एकदम ईश्वर प्राप्ति का ये साधन। मैं शादी करूं, अरे पहले ईश्वर पाले फिर शादी कर। काय को मूर्ख बनता है, काय को गधा बनता है, काय को घोड़ा बनता है, गाड़ी खींच के मर जाएगा। पहले ईश्वर प्राप्ति का फिर शादी करो, और हो गई तो भी थोड़ा संयम रखो, पहले ईश्वर प्राप्ति करो तो आसान हो जाएगा। आसान, ये बनू वो बनू, रामकृष्ण बोलते थे सब बनना, लेकिन पहले अपने आत्मा को जान लो फिर कर लेना। काली आंख मूंद के ऐसे बैठोगे, अंबाजी वाला जैसा पलायनवादी बन जाओगे, लापरवाह टट्टू। आंख बंद करने से, बैठ रहने से क्या, तत्परता है, जिज्ञासा चाहिए। फिर भी ठीक है, अंबाजी वाला भी थोड़ी बहुत रुचि है, चलो ठीक है बेचारा, लेकिन तत्परता चाहिए, श्रद्धा, इंद्रिय संयम और तत्परता। ये बल से नहीं मिलेगा, आयासों से भी नहीं मिलता, प्रयासों से भी नहीं मिलता। आयास प्रयास करके फिर वो देखे क्या, उसकी कृपा के बिना नहीं। कभी कभी एक तीव्र वैराग्य हो तो विवेक से समझ आ गई, मिल गई, नहीं तो जगत की नश्वरता जानकर तुच्छता, जगत से उपराम हो गए, तभी उसकी शांत और स्वाभाविकता प्रकट होती है। अद्भुत। कभी वो कृपा करके अपने अंतःकरण में प्रकट, अथवा हमारे से काम लेना है तो फिर हमको वैसा अपना लीला दिखा के इधर को मोड़ देते। चार तरीके हैं।